गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोगों को देख करके मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, आप सबके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। आप सोच रहे होंगे, यार एक तो मौसम ऐसा, ऊपर से मेरी ये रंग बिरंगी फोटोग्राफ, भाई चक्कर क्या है, आज होने क्या वाला है यहाँ पर। और मुझे पता है कि कुछ लोगों ने तो ये वर्डिंग्स को पढ़ करके इसका मतलब निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, कि जैसे लिखा हुआ है ना, नाइदर ब्लैक नॉर वाइट, इसका मतलब कि इस सेशन के एंड तक पहुँचते पहुँचते ना काला काला रहेगा ना गोरा आदमी गोरा रहेगा, सारे रंग बिरंगे हो जाएंगे। मतलब कि कहीं शायद होली खेलने का कोई प्रोग्राम हो सकता है यहाँ पर, लग रहा है कुछ लोगों को। सो लेट मी बी वेरी क्लियर एंड वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू कि आज यहाँ पे होली खेलने का कोई प्रोग्राम नहीं है। सो आप सब अपना आराम से रिलैक्स होकर के बैठ सकते हैं। वहाँ पीछे आई थिंक सनी बैठा हुआ है, वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, वो बड़ा खुश हो रहा था जब होली खेलने की बातें हो रही थी, अपने आसपास में लड़कियों को देख करके सोच रहा था मन ही मन के, यार आज मज़ा आने वाला है, शर्मा रहा था सोच रहा था। लेकिन कोई बात नहीं सनी, नेक्स्ट टाइम। हाँ, अब आप में से आप ये तो नहीं सोच रहे कि सनी कौन है। भाई ऐसा है, ये जो सेशन हो रहा है ये हो रहा है दिल्ली में, चेन्नई में नहीं। आई एम 100% श्योर, अपने आसपास में चार लड़कों से उनका नाम पूछो, तीन का नाम सनी निकले पक्का है। ओके, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सिंपल, कि जब हम सब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हम सारी चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं लाइफ में, और हमारी सीखने की जो पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी वो सीखने की पावर कम होती जाती है। उसके पीछे एक वजह है कि जब हम बड़े होते हैं तो कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, जो बच्चे नहीं करते, तो वो ऐसा क्या है, कोई बताएगा मुझे? ऐसा हम क्या करने लग जाते हैं जब हम बड़े होते हैं तो क्या करते हैं? करने से पहले सोचते हैं, एग्जैक्टली। उसको अगर एक वर्ड में बोला जाए तो क्या हम क्या करने लग जाते हैं हर चीज को? एनालाइज, जज करने लग जाते हैं, राइट? जिसने भी बोला जज, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। याद करो, जब हम छोटे थे हमारी किसी से लड़ाई हो जाती थी, अपने किसी फ्रेंड से, और वो हमारा कोई हमारा फेवरेट खिलौना तोड़ देता था, उसके 5 मिनट बाद हम वापस से उसके साथ में खेल रहे होते थे, वापस से कोई जज नहीं किया, कुछ नहीं किया। आज आई एम 100% श्योर, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, कोई फ्रेंड आया आकर के उसने आपसे 500 रुपये मांगे और कहता है कि यार मैं आपको ना 10 दिन बाद वापस कर दूंगा, और उसने 1 महीने तक वापस नहीं करा, तो आप क्या सोचने लग गए मन ही मन? क्या सोचने लग जाते हैं हम? 1 महीना हो जाता है, उसके ऊपर ठप्पा मार देते हैं जिंदगी भर के लिए कि कितना घटिया आदमी है, ऐसे ही करते हैं मन ही मन। चाहे हो सकता है उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम थी जिस वजह से उसने नहीं दिया 1 महीने तक, लेकिन हम जज करते हैं, हम सीधा ठप्पा मारते हैं, हर सिचुएशन पर ठप्पा मारते हैं। सो अब हमें क्या करना है? नाइदर ब्लैक नॉर वाइट, मतलब कि आज इस सेशन में जो कुछ भी होने वाला है, मतलब जो कुछ भी, मतलब जो आप पूछने वाले हो या जो मैं बोलने वाला हूँ, ना आप अपने आप को जज करके बोलना कि यार मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, और मुझे जो बोलना होगा मैं डायरेक्ट दिल से बोलूँगा बजाय बीच में कोई फिल्टर लगाए, लेकिन वो मैं अकेला नहीं कर सकता। उसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं आप सबको मेरे साथ में, मैं एक बच्चे की तरह हूँ, एक 5 साल के बच्चे की तरह आज यहाँ पे जो अजीब अजीब हरकतें करने वाला हूँ, तो आप सबको भी मेरे साथ में बच्चे बनना होगा। तो क्या सब तैयार है यहाँ पे बच्चे बनने के लिए? यस और नो? यस और नो? हाँ, तो अब हम कुछ गेम्स खेलेंगे। मैं 3 गाने गुनगुनाऊंगा एक एक करके, बच्चों वाले, छोटे बच्चों के गाने, बड़ों के नहीं है, कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है, और उसको सुन करके आपको पहचानना है कि वो गाना कौन सा है, और सबने मिल करके उस गाने को गाना है, ठीक है? सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? ओके, ध्यान से सुनना, और साथ में गाना है आपने, मैं गुनगुनाऊंगा आप गाओगे। वेरी नाइस। कुछ लोग और भी आगे गाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, घर पर जाके गा लेना। दूसरा गाना, ये पहले वाले से भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं इसको कौन आसान बना पाता है। हम्म
ओके फाइनली, ये इसको बड़े ध्यान से सुनना। यार ये बच्चों का रहा है। एक बार दोबारा गाता हूँ, वो दोबारा से सुनने की कोशिश करना। मुन्नी बनना बच्चों की बात कर रहा है, ऐसा मत करो यार। दोबारा करता हूँ, दोबारा करता हूँ, फिर दोबारा ट्राई करना। गाओ एवरीबॉडी। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि बच्चे का गाना कैसे हो सकता है, ये गाना बड़ों ने ज्यादा गाया या बच्चों ने? बच्चों ने। और इस गाने को जब भी ये गाना आता है ना, तो मेरे को अपना वो एक एक्सपीरियंस याद आ जाता है। हम राजस्थान गए थे और वहाँ पे मैं काफ़ी सीरियस कुछ डिस्कशन कर रहा था। इतनी देर में मेरा बेटा पीछे से आया, आकर के मेरे को कहता कहता पापा। मैं कहा हाँ बेटा। पापा मुन्नी। मेरी हालत ख़राब, मैं समझ गया था वो कहाँ जाने वाला है। मैं बेटे जा तू जाके मम्मी के साथ खेल, अभी मेरे को तंग मत करो, देख मम्मा बैठी है। तो फिर से आया पापा मुन्नी मुन्नी। मैं कहा यार क्या कर रहा है, यहाँ नहीं, घर जाके अपना आराम से, ये सही जगह नहीं है ऐसे सब कामों के लिए। कहता नहीं पापा मुन्नी मुन्नी मुन्नी, रोने लग गया, चीखने चलाने लग गया। मेरी हालत ख़राब, मैं समझ गया कि यार अब मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक सपना सच होने वाला है, और हो गया। उसके करीबन 4-5 मिनट तक सबने घेर लिया और सब लोग तालियां बजा रहे थे। मेरा बेटा गाना गा रहा था और मैं मुन्नी बना हुआ था वहाँ पे। और मेरी प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। मैं अपना अजीब सा डांस कर रहा था और कहता पापा आपने ये तो किया ही नहीं हो। मतलब अब आप बताओ कि बच्चों का गाना नहीं है तो किसका है यार, किसका है? दूसरी गेम, कितने लोग ऐसे हैं जो सच में, मतलब जिन्होंने सिर्फ बोला ही नहीं है कि हम बच्चे हैं, वो कुछ भी अजीब सी हरकत करने को तैयार है। यहाँ पे 10 स्टेज पे मेरे को वॉलंटियर्स चाहिए, अजीब। बाद में मत बोलना कि यार बताया नहीं था आपने। 10 वॉलंटियर्स, एनी 10 प्लीज आ जाओ। 10 वॉलंटियर्स वो तेरे आगे 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस 10 ही चाहिए, 10 ही चाहिए यार। हो गया हो गया हो गया हो गया, आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो, तो आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है? अब एक पर्सन मुझे ऐसा चाहिए जिसका आज बर्थडे हो। एनीबॉडी जिसका बर्थडे है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? अंसारुल। अंसारुल हैप्पी बर्थडे यार, हैप्पी बर्थडे। सो अब देखो एक अजीब सी गेम होने वाली है। बर्थडे में ऐसी कौन सी गेम है जो बच्चों को सबसे ज्यादा मजा आता है खेलने में? सबसे ज्यादा मजा रेलगाड़ी चुक चुक। सबसे ज्यादा मजा कौन सी गेम खेलने में आता है, जल्दी बताओ। बलून फाड़ने में, राइट? किसने बोला? हाँ बलून फाड़ने में। तो वही गेम होने वाली है, बलून लाया जाए। वेयर इज दैट बलून? ये सिर्फ नाम के लिए नहीं खेल रहे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट है, बहुत बड़ा। वो क्या है कि अब आप में से जो भी जीतेगा, जिसके हाथ में सबसे ज्यादा ट्रॉफीज आएंगी, उसका मैं खुद अपने स्टूडियो में फोटो सेशन करूंगा। अच्छा, जिसका बर्थडे है वो पड़ेगा। बड़ा भयानक बर्थडे बनने वाला है भाई। Let's give a big hand for them, यार। कई लोगों के मुंह पे नाखूनों के निशान पड़े हुए हैं, छील दिया गया है उनको। ये क्या है? कोई कोई घर से तो नहीं ले गया है ना?